अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? शेख फरजंद अली। फरजंद साहब, आज के इवेंट को आपने कैसा पाया? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रौनक मेला ये कह लें, काफ़ी फैमिलीज़ हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ये जंपिंग कैसल वगैरह बच्चों के लिए लगाए गए हैं और काफ़ी कुछ देखने को मिला है, फूड कोर्ट्स वगैरह और ये जो आपके बुक्स वगैरह के स्टॉल्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन है। फरजंद साहब, अगर मैं आपसे आज के इंतजाम के हवाले से पूछूं कि अगर आपको यहाँ पे कोई आने में दुश्वारी और अगर यहाँ पे आप आए हैं तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना या इंतज़ाम में कोई कमी कोताही कहीं रहती नज़र आई? फ़िलहाल ऐसे ही तो कोई भी नहीं है, लेकिन इंसान जो है ना वो सीखता प्रैक्टिकल से ही है अपने, लिहाजा जो इनका कह लें अमला है, जो सीनियर पार्टीज़ हैं जो सारा ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, उन्होंने एंड पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रेज़ करने होंगे ना, कहीं कोई मसला मसाइल ना आया हो, क्योंकि जो मैनेज कर रहा होता है ना उसको पता चल रहा होता है कहाँ मैनेज हो रहा है, कहाँ मिसमैनेज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बाकी इंशाल्लाह ताला फर्दर वो जो भी प्लान करेंगे उससे बेहतर ही करेंगे नेक्स्ट। बाकी अंजुमन हुसैनिया और KYF के आप जो उन्होंने बहुत ही जदोजहद के साथ ये एक मेला सजाया है, कौम को यहाँ पे इकट्ठा किया और एक वहादत का सबूत पेश किया है, तो आप उनके लिए एक छोटा सा क्या पैगाम देंगे? अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और जो अल्लाह ताला के हाथ से अजर मिलेगा वो इस दुनिया में कोई भी किसी को नहीं दे सकता, सिंपल इज़ दैट। उनके लिए तो ये वर्ड्स हैं, बाकी बच्चे KYF के भी बहुत मेहनती हैं अपना टाइम निकाल के, ये तो आज का दिन है कि वो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो डेली बेस पे वर्किंग कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ करना इवेंट ये एक दिन का काम नहीं होता, तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको अजर दे इनका। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया फजल साहब, थैंक यू।